हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर के बारे में। आप सबको पता है 21 मार्च के बाद से NSE BSE दोनों से डीलिस्ट है। फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव प्रोसीजर चल रहा है, बट आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिलायंस इसे ऑलरेडी एक्वायर कर चुकी है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, रिलायंस का एक्वायर करने के पीछे इसका क्या बेनिफिट है और आपको इस शेयर में फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है। आप सबको पता है आलोक इंडस्ट्री, फ्रेंड्स रिलायंस की कंपनी आलोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर की है। फ्रेंड्स, करंट प्राइस चल रहा है 22 रुपीज़ शेयर का, बट फ्रेंड्स जो शेयर है, शेयर में अभी तक इतनी अच्छी कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही। 50% वॉल्यूम के साथ शेयर में कंपनी में काम हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसीलिए रिलायंस ने एक्वायर किया है सिंटेक्स इंडस्ट्री को, बिकॉज वो भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकता है कि ये दोनों कंपनियों का मर्जर हो जाए, सो दैट 100% कैपेसिटी के साथ कंपनी में काम हो सके। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर में ये भी देखने को मिल सकता है कि इसका नाम चेंज होता है या इसका नाम सिंटेक्स इंडस्ट्री से ही नाम से ही लिस्ट होगी या फिर मर्जर होके किसी और नाम से लिस्ट होगी, तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फ्रेंड्स, रिलायंस को एक्वायर करने का आप इसको रीज़न समझ सकते हो कि ये एक टेक्सटाइल सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाना चाहते हैं, बिकॉज आलोक इंडस्ट्री जो है फ्रेंड्स वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इतनी अच्छी कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, जब सिंटेक्स इंडस्ट्री भी एक्वायर हो जाएगी और मर्जर हो जाएगा तो कैपेसिटी यहाँ पर डबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप सबको पता है दो रीसेंट अपडेट, एक 30 मई को आया था, एक 31 मई को आया था। इनकी 19 मई को हियरिंग हुई थी और फ्रेंड्स जो चिराग शाह एंड एसोसिएट है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया है, उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही या हो रही है ये सब चेक कर लिया है, फाइलिंग चेक कर लिया है, इनकी वेबसाइट चेक कर लिया है कि सब कुछ ठीक है। फ्रेंड, ये एक प्रोसीजर होता है अगर किसी कंपनी को रिलिस्ट होना होता है, उससे पहले कोर्ट एक वो आदेश देता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक हो। तो फ्रेंड यही एक प्रोसीजर चल रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हियरिंग की डेट डाली है इन्होंने 28 जून को और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, वो उसमें होगा इनका लास्ट रिव्यू। तो फ्रेंड लास्ट रिव्यू होने वाला है इसमें, तो माइट भी उसके बाद वो कोई नेक्स्ट डेट बता दे जिस दिन कंपनी रीलिस्ट हो सकती है या फिर कोई नेक्स्ट प्रोसीजर अगर कोई लेफ्ट है तो उसके बारे में डेफिनेटली बता दें। बट अब आप समझ गए होंगे कि इनका पेपर वर्क जो चेक होना था चिराग शाह एंड एसोसिएट से वो कंप्लीट हो चुका है एंड रिलायंस ने इसे एक्वायर क्यों किया है ये भी आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात ये है कि जो 467 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर्स के फंसे हैं इसके सस्पेंड होने के बाद से, वो अब आपको वापस आते दिखने वाले हैं बहुत जल्दी। और फ्रेंड्स, अगर कंपनी रीलिस्ट होती है और उसका प्राइस रहेगा 7 रुपीज़ के आसपास ही फ्रेंड, बिकॉज 7.80 पे क्लोजिंग हुई है, तो चाहे आपने हाई पे खरीदा होगा लेकिन उस प्राइस पे लिस्ट रीलिस्ट नहीं हो सकता, प्राइस उसी पे रीलिस्ट होगा जिस पे क्लोजिंग हुई है और आपको उस टाइम पे से सेल नहीं करना फ्रेंड्स, आपको थोड़ा वेट करना है, बिकॉज पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अब एक डेब्ट फ्री कंपनी बन चुकी है, तो यहाँ से आपको शेयर प्राइस ऊपर जाते भी दिखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही 28 जून को कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा डेफिनेटली वीडियो के थ्रू जरूर बताने वाली हूँ एंड थैंक यू सो मच।